आओ पैजामा भी है चुन्नी है, आओ पापा की परी आओ। अरे फोड़ा कितने का है? ये बच्चे खेलने के लिए की पिता माता सर्वाने मोर भाई। वाह से भरा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। मंदिर वंदिर भी बनाने का कोशिश मंदिर, किया गया है। मंदिर बनाने के लिए चाह रहा था यहाँ का ग्रामीण, हाँ। लेकिन शाम तक बना के जाते थे मजदूर। बोल दो केसला पाठ देवता की। अरे वाह अरे वाह, अरे का नाम है काका, का बतावा नाम लभी। यार का नाम है लंबा लंबा है। पूछते हैं क्या कर रहे हैं। नमस्ते पंडित जी, जैसे क्या कर रहे हैं आप थोड़ा बताएंगे? इनका वो देख रहा हूँ शादी कहे नहीं हो रहे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो चलिए आज हम आपको घुमा के लाते हैं तमता पहाड़। बहुत ही बड़ा चोटी है, उसके बारे में विस्तार से वहीं बात करेंगे। वैसे आप लोग तो हमारे आसपास के होंगे तो कई लोग जान रहे होंगे, बाकी जो हमारे साथ और भी कई कई जगहों से जुड़े हैं उन लोग को हम लोग दिखाएंगे खासकर। और आप लोग भी अगर नहीं आ पाए किसी कारणवश तो आज हमारे माध्यम से दर्शन कर लीजिएगा वहाँ के भगवान का। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं झरना है, यहाँ हमारे साले साहब हैं। तो चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं। देखिए तमता मेला का पूरा तीन तीन चार चार सवारी यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए हर जगह मिलेंगे आपको अभी तो, क्योंकि तीन दिन का रहता है, ज्यादा दिन का भी नहीं है। कोरोना के वजह से कुछ साल बंद हो गया था बहुत, हाँ कोरोना के बाद से इसी साल से लगभग। यहाँ भी देखिए गाइस, वैसे अभी हम लोग पहुंचे हैं घरजिया बथान। यहाँ पे जबरदस्त मैच होता है तो उसी का भीड़ भाड़ थोड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पे पोस्टर वगैरह भी लगा है, तो यहाँ वॉलीबॉल या बास्केटबॉल ऐसे चल रहा है, आए दिन यहाँ होते रहता है। देखिए यहाँ पे जबरदस्त झंडा वगैरह लगाया गया है, तो ये काफी बड़ा मैदान है। कबड्डी क्रिकेट वगैरह हर चीज होते रहता है। फाइनल हो रहा है क्या? नहीं नहीं फाइनल 29 तारीख कहाँ बाहर बाहर से भी टीम बाहर से रायगढ़ हैंगर। अच्छा कपड़ा टांगने वाला किसे देता है? कितना का है? खूंटी निकाल निकाल के बेचते हैं? अच्छा एक पट्टी का 10 रुपए है की? अच्छा मन 10 रुपए खूंटी हिसाब से, जितना लंबा लेने से उतना काट के देंगे? हाँ चलो ये पहुंच गए। तो इसका कुछ नियम शर्त है कि गाड़ी वाड़ी चोरी हो जाने से? वो सब नियम है भाई, आपके गाड़ी नया मिलेगा आपके पास है ना? क्या तो पर्ची को रखे रहिएगा बढ़िया से, हाँ ठीक है। और जैसे गाड़ी चोरी हो जाता है तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, आपका गाड़ी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, फाइनली पहुँच गए। और यहाँ का भीड़ का आप आंकड़ा यहाँ से लगाइए, देखिए गाड़ियाँ पूरा शोरूम में भी इतना नहीं रहता होगा माल। चलिए फिलहाल हम एंट्री करते हैं यहाँ से प्रवेश द्वार। वृश्चिक राशि के लिए लाल पत्थर, धनु राशि के लिए पीला पत्थर। सारे चीज की दुकान आपको यहाँ दिखेगी चारों तरफ से पूरा। अभी तो हम लोग अंदर गए नहीं है, बोलिए मेन रोड ही है ये। देखिए ये पहाड़ में हम लोग चढ़ना है, शायद इस बार लाइन वाइन लग रहे नहीं तो ऐसी टाइम में तो लगते नहीं थे। यहाँ मीना बाजार भी आया है, देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग डांस से लेकर सब राम ढेलवा झूला हम लोग जिसको बोलते हैं बड़ा वाला, वो सब है यहाँ। कितना का है बजा के बताइए ना। यहाँ आपको सस्ता से सस्ता मिलेगा 50, जहाँ पे आपको केला मिलता है शहर में 60-70, यहाँ 30-40 में मिलेगा। और शाम होते होते और रेट डाउन, कोई 100 रुपए में साड़ी दे रहा है, कोई 100 रुपए में जूता दे रहा है, कोई 100 रुपए में चप्पल दे रहा है, 100 रुपए में फ्रॉक बेच रहा है। देखिए टी शर्ट उशर्ट सब चीज मिलेगा यहाँ आपको। बहुत भयंकर मेला है, 3 दिन का है मात्र। कते करेगा? 50-20 न रहे तो मेला टाइप का नहीं लगता है ना वास्तविक। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। अच्छा यहाँ देखिए गाइस, केसला पाठ की पावन धरा में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन। कहीं नहीं मिलेगा आखिरी बोल के ठग रहा है, इसके पास बहुत सारा है गाइस। देखिए वारे सूट कितना का है भैया? 400 वाला 100 रुपए में, पैजामा भी है चुन्नी भी है, आओ पापा की परी आओ। अरे पापा की परियां जाओ रे जाओ, 15 मिनट का और बचा है, जो आएगा वो पाएगा। बिजनेस का तरीका देखिए, पापा की परियां। पहाड़ चढ़ने चलते हैं, बाकी यहाँ से सबसे ज्यादा भीड़ हमें दिखेगा, सबसे ज्यादा ट्रैफिक यही है। बाप रे, 100 में साड़ी 100 में सूट 100 में ज्यादा दिख रहा है आज यहाँ।
छोटे जा रहे हैं अभी नहीं गए, चलो बच्चे को कहे रुला रहे हैं यार लोग। बूंदी का लड्डू कैसे दे रहे हैं? 180 रुपए किलो। यहाँ के होटलों को देखिए, फौड़ा कितने का है? एंडरसन वाला ही। कितने का है ये? बच्चे खेलने के लिए की? बच्चा नहीं, पेड़ पौधा झाड़ झूड़ का है, बच्चा क्या खेलेगा? हाँ बच्चे लोग के लिए भी बनेगा बोलिए। ठीक अभी दिखा हमें टैटू की दुकान। गाइस चलिए पहाड़ में चढ़ने का समय आ गया, झरना लोग तो नहीं चढ़ेंगे बोले। हमारे साथ छोटी चढ़ेगी इधर, हमारे साले साहब, और यहाँ से भीड़ देखिए आप, काफी ऊपर है गाइस, देख सकते हैं वो रहा छोटी। दादी नारियल दे, तुम ना लगा कि संगे और तीन ठो देवा किसे देता है? एकर कतेक रुपया? अगरबत्ती सर 20 में लगा हुआ ना, 30 कहाँ ले? 50 बोल रहा था, 40 में मिल गया। चलिए बहुत महंगा है ना, बार्गेनिंग जितना ज्यादा करेंगे उतना अपने को कम में मिलेगा बोलिए। तो डरना नहीं है आप, तो कभी भी मेले उले में आते हैं तो बार्गेनिंग बहुत जरूरी है। कहीं पे जूता स्टैंड देख के कहीं भी रख दे रहे हैं यहाँ, तो चलिए रख देते हैं यहीं आसपास में। इधर ही छुपाने चलते हैं वृंदावन साइड, तो दो दो तीन तीन जोड़ा मेरा चोरी हो गया, सब जगह मैं नया नया खरीदा हूँ टाइप का है। तो काफ़ी लोग यहाँ देखे रहे हैं, और इधर देखिए बंदर, ये दूसरा रूट है। बाकी यहाँ से भी लोगों का चढ़ावा देखिए, एडवेंचर टाइप का है थोड़ा बोलिए। यहाँ से देखिए वो आदमी चढ़ रहा है, बाकी हम लोग को इधर से चढ़ना है गाइस। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में हम लोग उधर से आए हैं देखिए, चलिए बाकी इधर से घुस जा रहे हैं देखिए। हम भी चलते हैं, चलिए हम आ गए लाइन में। प्रांजल, ऐसा भीड़ देखते हुए कितना देर में पहुंच पाएंगे? 6-7 घंटा लग जाएगा जी। जैसे हम लोग गए थे वहाँ क्रिकेट स्टेडियम टिकट लेने, फिजिकल टिकट तो हो गया था अपने पास, नहीं अपना ऑनलाइन हो गया था, फिजिकल टिकट लेने गए थे तो लगभग हम लोग को 4-5 घंटा लगा, अनुमानित 4-5 घंटा यहाँ भी लग जाएगा। कैसे भाई लोग, लगेगा कि नहीं? एक घंटा में हो जाएगा। इस पहाड़ के पत्थरों को देखिए कुछ इस टाइप का है, आगे भी हमें ऐसे ही दिखेगा ऊपर में। ट्रैफिक तो पूरा जाम है, तो हम लोग 100 मीटर चढ़े होंगे तो बहुत है। यहाँ के पेड़ों में कुछ कुछ फल लगे हैं देख सकते हैं, ये क्या है मेरे को तो पता नहीं क्या है भाई, जान रहे हो? नहीं। क्या लिखा है ठंडा में? जय केसलापाट। ये लोग शॉर्ट कट का भी तरीका अपनाए हैं गाइस, देख सकते हैं जो लोग सक रहे हैं लोग बोलिए कहीं से भी चढ़ जा रहे हैं एडवेंचर वाला। फाइनली पूरा ट्रैफिक घट गया, यहाँ से हम लोग को जाने के लिए काफी सरल पड़ेगा बोलिए। गाइस आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, पत्थर में भी फूल खिल जाते हैं, तो देखिए आज इतना बड़ा पत्थर में भी फूल खिला है, पूरा पेड़ ही निकल रहा है, बरगद का पेड़ है शायद। क्या पड़सा गोछो, यहाँ से नजारा देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है देखिए। वाओ, तो ट्रैफिक की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था, है ना प्रांजल? हाँ पूरा अभी दिखाएंगे हम। इस एक साल हम जब यहाँ आए थे, कई साल आए हैं बोलिए, बाकी इधर से हम लोग चढ़ने का कोशिश किए थे, बाकी मैं फेल हो गया। वाह, एक बार यार ऐसे पहाड़ की चोटी यहाँ कई दिखेंगे आपको, देखिए ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, और अधिकतर हाथी वगैरह क्षेत्र भी है ये, तो यहाँ पे तो जंगल नहीं है, थोड़ा सा उस पार बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है। गाइस फाइनली पहाड़ के ऊपर आ गए, और यहाँ से दिखाता हूँ आपको 360 व्यू देखिए चारों तरफ से, उधर तो उस पार जाया नहीं है, अभी जाएंगे बोलिए। काफ़ी ऊपर है, सांस तो नहीं फूला, जैसे अगर फ्री रहता पूरा रोड तो सांस फूलता, क्योंकि उसमें स्पीड हम लोग का बढ़ जाता, तो आराम से हम लोग आए हैं, और रहस्यों से भरा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। यहाँ फोटोग्राफी वगैरह भी करवा सकते हैं काफी, देखिए यहाँ पे डेकोरेट वगैरह किया गया है, अक्सर मेले वाले में तो यही सब चलता है बोलिए। बाकी सबसे पहला काम हमारा रहेगा पूजा पाठ करते हैं, यहाँ के रहस्यों के बारे में थोड़ा सा जितना हम जानकारी प्राप्त किए हैं उसको बताएंगे बोलिए। श्री राम वाला चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस पहाड़ को चीर के निकले हुए निर्मल जल, कहा जाता है
प्राचीन कथाओं के अनुसार जो जल है यहाँ जहाँ से इसका जल स्रोत है इसको मापने का कोशिश किया गया, और ऐसे ऐसे कई मतलब जो पहले के ज़माने में हम लोग जो रस्सी वाला खाट रहता था वो तो देखे ही होंगे, वैसा चलता था। तो एक रस्सी में एक खाट में सोच सकते हैं कितना लंबा रस्सी, ऐसे करके कई कई खाट के रस्सियों को इसमें डाल के मापने का कोशिश किया, पर इसका गहराई को आज तक मापा नहीं जा सका बोलिए। तो खासकर इसका भी जल को अपना छिड़काव करके शुद्धिकरण के लिए यूज़ करते हैं, और आगे चलेंगे हमारे केसला पाट देवता के बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ से हम अपना शुद्धिकरण हो जाते हैं बोलिए छिड़काव करके। यहाँ के जल को देखिएगा इस कुछ इस टाइप का कलर है। चलिए अब हमारे केसला पाट देवता के पास चलते हैं, यहाँ सब अपना पूजा पाठ करके थोड़ा सा बैठ रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए, और फोटोग्राफी वगैरह हो रहा है। बोलिए बोल दो श्री रामचंद्र की श्री राम जय श्री राम। मेरा महाकाल करिया महाराज, थोड़ा यहाँ के देवता जी के बारे में बता देते हैं, हमारे केसला पाट जी के बारे में। केसला पाट महादेव हैं, बहुत पूर्व से हैं, और यहाँ के ग्रामीण लोग कहते हैं कि से बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ मंदिर वंदिर भी बनाने का कोशिश किया गया है, मंदिर बनाने के लिए चाह रहा था यहाँ का ग्रामीण, लेकिन शाम तक बना के जाते थे मजदूर, और सुबह आते थे देखते थे पूरा गिर गया है। अच्छा, मतलब टिक ही नहीं पा रहे, टिक ही नहीं पा। उसके बाद में सपना दिए पूछे थी तो कि तुम लोग इतना परेशान क्यों हैं, मैं ओपन में ही रहूँगा, सब दिन मैं जंगल में रहा हूँ, मैं जंगल में ही रहूँगा, मुझे घर द्वार नहीं चाहिए। तुम जो हमारे पास आएगा और अपनी मनोकामना लेके और सच्चे दिल से तुमका कामना पूरा होगा। तो देखिए खुले जगह में रहना चाहे हमारे हमारे भोलेनाथ ही तो है ना, उनका एक अवतार है। फिलहाल हम यहाँ पे पूजा पाठ अपना कर लेते हैं केसला पाट देवता जी का। बोल दो केसला पाट देवता की ले महाराज। यही वो स्थान है जहाँ पे मंदिर बनाने का प्रयत्न कई बार किया जा चुका है, पर हर बार नाकाम रहे। यहाँ के ग्रामीण बोलिए देवा प्रसाद बनाए देवा हमर खैस। अब एक ठो देवा हो ले पूजा पाठ हो गया, और यहाँ का नजारा देखिए आप। और बात करें यहाँ के रहस्यों, एक दो तो बता दिया, तीसरा नंबर का अगर बात करें तो यहाँ बताया जाता है एक वीर पानी करके कुछ हुआ करता था, यहीं आसपास में उसका जल का स्रोत था। तो बताया जाता था कि उस पानी को जो भी पीता था तो उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती थी। तो ऐसे ही एक ग्रामीण आदमी उस पानी का सेवन किया तो उसमें इतना शक्तियाँ आ गया कि जैसे वो गाँव गाँव में रहता था, पेड़ वेड़ को ऐसे झटके में वो तोड़ देता था। तो गांव के लोग काफ़ी परेशान हो गए, किसी को भी डराता धमकाता था, मतलब सब लोग अब एकत्रित होकर मीटिंग वीटिंग किए बोलिए, और उसको फिर अब क्या बोलना चाहिए, इस धरती से ही दरखास्त कर दिए ऐसा कहना है। प्राचीन यहाँ के जो भी मुख्य भक्त लोग सभी फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी एडवेंचर जगह है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ हमारे हनुमान जी के पैरों के भी निशान थे, पर यहाँ मेरे को पता नहीं है कहाँ पे थे, पर ऐसा बताया जाता है। लोग आ रहे हैं उधर से, अब इस छोर का नजारा आपको दिखाते हैं, इधर भी जबरदस्त दिखता है, थोड़ा सा भी छूप हुआ तो सीधा आदमी खाई में गिर जाएगा। सही बात, यहाँ से देखिए कैसे। चाचा कहाँ से हैं आप? कौन अंगुल? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कम इधर काफी दूर दूर से श्रद्धालु भक्तगण यहाँ आते हैं, जैसे कि हमारे चाचा जी ने बताया 20-25-30-35-40-45-100-200 जो जो जानते हैं इसके बारे में, तो काफ़ी प्रसिद्ध है। जब हमारे दादा लोग छोटे छोटे थे तब का, तब से यहाँ चढ़ाई चढ़ा जा रहा है बोले, बहुत प्राचीन यहाँ पे केसला पाट हमारे देवता हैं बोलिए। और यहाँ का देखिए नज़ारा, प्रांजल बाबू पता नहीं कौन से वो में खोए हुए हैं, कैसे जाने का मन नहीं कर रहे के? जाने का मन कर रहा है, बहुत पूरा रिलैक्स फील लगेगा आपको यहाँ पे, मस्त नींद आता ना सो जाने से। पूरा देखिए पहाड़ पर्वत ही बस दिखे, छोटी चले कि रुकेंगे थोड़ा, थोड़ा रुक जाते हैं जैसे लग रहा है वहाँ ऐसा। यहाँ की हवाएं वाओ, सब बैठ रहे हैं देखिए, सबको शांति की अनुभूति हो रही है बोलिए। यहाँ देखिए लोग काफी नीचे उतरे थे तो अभी चढ़ाई फिर से चढ़ रहे हैं, ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से हम आए हैं बोलिए, हम पीछे वाले रास्ते से आए हैं।
हो बाबू? जोर फरसा टोली फरसा कहानी, मतलब आस पास के सारे जगहों के लोग आते हैं यहाँ। ज़्यादातर मोबाइल का ज़माना हो गया तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और वहाँ जो डेकोरेशन के हैं वहाँ भीड़ दिखेगा। वैसे गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा डैम है, चले यहाँ से वो नज़ारा दिखता है काफ़ी बड़ा, वहाँ पिकनिक वगैरह अक्सर कई बार हम लोग आए हैं बोलिए। तो चले यहाँ का नज़ारा, यहाँ पे देखिए पार्किंग वगैरह लगा है, गाड़ियाँ पूरा कैसे दिख रही है, वाह क्या नज़ारा है यहाँ से। और इसकी बात कर रहा था मैं, देखिए काफ़ी दूर है यहाँ से तो फोकस नहीं हो पा रहा है, बाकी यहाँ से देख सकते हैं। इन पत्थरों को देखिए, वैसे ज़्यादा पकड़ा नहीं है, बाकी गिरता नहीं है, काफ़ी साल से वैसे एक ही जगह में रुका हुआ है। बोली गली से जा रहे हैं थोड़ा, यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा पत्थर है, यहाँ से देखिए कितना कम पकड़ा है। हम जिधर से चढ़े थे उधर ही आ गए। अब देखिए यहाँ ज़्यादा भीड़ लग रहा है क्योंकि चढ़ रहे हैं इधर लोग, यहाँ पे बहुत देखिए। चलिए अब चलते हैं नीचे, बोल दो केसला पाट देवता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, आराम से हो प्रांजल बाबू। तारवाला लागे तकरीबन बेटा, तारवाला लागे तकरीबन, वाह। वही समय में छाती पीट पीट रोवा थे सरवन भाई, छाती पीट पीट रोवाए बेटा सरवन भाई। लीजिए सर, बहुत अच्छा बजाया। कहाँ के हैं आप वैसे? कापू के। कापू के, हाँ। चले जय केसला पाट देवता की जय, जल्दी आइए। पूछते हैं क्या कर रहे हैं। नमस्ते पंडित जी, जैसे क्या कर रहे हैं आप थोड़ा बताएंगे? इनका वो देख रहा हूँ शादी कह नहीं हो रहे। अच्छा ठीक 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 ठीक, धागा बांध रहा हूँ, कलाई धागा, माता रानी का प्रसाद दे रहा हूँ। ठीक ठीक, चलिए जिसका शादी वादी नहीं हो रहा है उनको दिखवा सकते हैं आप, जैसे शादी कब होगा वो पूरा बता देंगे, ऐसे कहना है उनका, है ना प्रांजल? हाँ, तेरा भी तो नहीं हुआ है देखे? नहीं, नहीं, मेरे को अभी नहीं दिखवाना है, जल्दी नहीं। चलिए हमारे साले साहब बोल रहे थोड़े दिन बाद दिखवाएंगे। हाँ। देखिए दिखवाना नहीं पड़ेगा वैसे। हाँ। वैसे गाइस यहाँ हमारे केसला पाट जो भोलेनाथ जी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हिंदू लोग आएंगे, यहाँ अन्य समाज के लोग भी आ रहे हैं, जैसे हमारे समाज के लोग हमने देखे कई प्रकार के, आसपास के जो भी शक्तियों के बारे में जानते हैं, यहाँ की जो पुरानी गाथाओं के बारे में, वो सभी यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आए, सभी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आए। ऐसे यहाँ सारा चीज़ का व्यवस्था है, जैसे किसी को कोई दिक्कत हो तो दवा हुआ कभी है, सारा चीज़ बीपी शुगर मशीन, फाइनली सेल्फी स्टिक वगैरह भी बेचा जा रहा है। कैसे दे रहे हैं भैया? हेलो, ये लाइट वाला कितने का है? 350। सेंटर पॉइंट में लग रहे हैं टैटू, देखिए। कितना लेते हैं भैया स्टार बनाने का? 50। सबका अलग अलग चार्ज है क्या? यहाँ डिजाइन जितना है स्टार का 50। क्या आइसक्रीम खाते हैं भैया? 10 वाला दीजिए तो 3। थैंक यू। चोको बार खाते हैं प्रांजल बाबू? छोटी चलिए, एक बहुत ही खास चीज लेते हैं, मेरे अल्टो के लिए बोलिए रुद्राक्ष लेना है, इसको लगाएंगे। प्रांजल बड़ा वाला देखो तो दीदी, बड़ा साइज में है क्या? इससे मोटा और बड़ा में ये रुद्राक्ष बड़ा साइज में? अच्छा ये वाला तो है यार। ए ठीक है भैया, गाइस आप जब भी आते हैं इनसे लेके जाइएगा, लेकिन कल लास्ट डेट है, दीदी हमको दे दी, हमारे वीडियो के बाद हमसे कोई आएगा तो बन रहा है, यहाँ देखिए अगर हमारे वीडियो के माध्यम से कोई आएगा 150 देते हैं उनको, 130 में देंगे ना आप 100 में मिल रहा है रुद्राक्ष, इसको 100 में लिया है, अब 200 में कोई आएगा 200 में देंगे।
100 रुपए एक्स्ट्रा लूंगी बोल रही, मजाक कर रही थी। अगर जैसे आप आते हैं 150 बेच रही है, 130 मिली, 130 में दे देगी, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिएगा। अरे महाकाल का भक्त यही लग रहा है। आओ चाचा, कितना में दे रहे हैं? 150-200 रुपया। अरे एप्पल का भी रखे हैं? अच्छा फर्स्ट कॉपी है। चलिए थोड़ा पेट पूजा हो जाए। तो हम लोग आए हैं श्री राधे राधे फास्ट फूड, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, खड़े खड़े खाना मत पड़ जाए। क्या क्या बनता है इसमें? दाबेली वगैरह सब है ना? भाभी का फेवरेट। मेरे लिए डोसा रहेगा। प्रांजल बाबू दो डोसा रहेगा, तुम लोग दे दो ऑर्डर। हमारा डोसा चाट, उधर डोसा वगैरह। चलिए हो गया खाना पीना, मेला का मेन चीज है। ए भैया, खुरमा कैसे दे रहे हैं? 140 किलो। कब बढ़ गया रे रेट? देख के लिए घमासान युद्ध चल रहा है, देखते हैं कितने का है। चाचा 250 का दो, 250 में दो। ए हम आए और पान ना खाए, बनाइए हो दूगो मीठा। चाचा कतेक लेट ला कि नंबर अनुसार देता है? टोकन उकन थोड़े कटवाना पड़ेगा? नहीं टोकन तो मतलब वो। अरे वाह अरे वाह अरे, काका नाम है? काका ला बतावा नाम लभी। यार का नाम है लंबा लंबा है? आए सर का कतरी 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 नहीं, ये लंबा ये पपीता का है ना? पपीता का है। ये है का है? ये गुलकन है। गुलकन। चलिए अरन बरन डाल दे रहे हैं हमारे चाचा जी। मुंह हर पूरा भर जैसे ना चोरखा भाई, देखो तगड़ा पान खा के पीछे से ना सवारे क्या। चलिए ये 200 में सटे, 100 में टी सटे, 200 में सटे, 100 में टी सटे। इतना ऑफर में पहली बार अपने जिंदगी में देखा। 50 में, 100 में, 150 में। वाह रे, ये वाला हम लोग को नहीं दिखा, लिए रहते एक ना, अच्छा लग रहा है। मूंगफली कैसे किलो दे रहे हैं चाचा? भुजा हुआ 100 ग्राम डाल दीजिए। गरम है कि सिला का मछली? मजा तो इन्हीं लोग ले रहे हैं, देखिए। वाह, चलिए आ गए अपने गाड़ी के पास, अब जाते हैं, काफी समय भी हो गया। अच्छा साले साहब, हमारा रुद्राक्ष को तो दीजिए, स्पेशल चीज के हम खरीदे हैं। लाइए हो, ये रहा। तो गाइस इसको हमारे महाकाल जी के सामने रखेंगे। आज हमारे महाकाल जी को भी हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया। यहाँ इसमें फंसा दो 2-3 बार ऐसा, ठीक रहेगा ना? थोड़ा सा झुलाएंगे, सेटिंग करना पड़ेगा इसको, ऐसे ठीक लगेगा ना। चलिए कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो काफी लंबा भी हो जाएगा, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो देखकर आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, बाय।